अलकुम जी आई होप यू आल आर डिंग ग्रेट सब ठीक ठाक होंगे तो यस आई एम बैक विद अनदर शॉपिंग हॉल वीडियो और मुझे पता है आपको ये शॉपिंग हॉल अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस बहुत पसंद आती हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है उन वीडियोस पे तो आई होप ये भी आपको अच्छी लगेगी अच्छा आज की वीडियो में जो भी अनबॉक्सिंग करूँगी वो सभी कुछ दराज से लिया था मैंने असल में ना दराज पर फिफ्टीन से ना कोई सेल चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक वीक सेल तो एक तो उसका फायदा उठाया मैंने इसके अलावा बाकी हेल्थ ब्यूटी फैशन वगैरह पे भी सेल्स थी तो इसलिए मैंने जल्दी शॉपिंग कर ली है और आई थिंक ये ट्वेंटी टू तक लास्ट करने वाली है आज मैं अपलोड कर दूँगी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ आज नाइनटीन है तो आप लोग भी जल्दी से इसको अवेल कर लेना क्योंकि ट्वेंटी तक सेल है और काफ़ी मजे मजे के डिस्काउंट चल रहे हैं तो अब मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी और तमाम चीज़ों के लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और प्राइस में साथ साथ स्क्रीन पर बता दूंगी अच्छा तो पहले ये वाला बॉक्स मैं ओपन करने लगी हूँ देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है अच्छा पता है पूरी वीडियो ना इट्स लाइक अ सरप्राइज टू मी क्योंकि मुझे याद ही नहीं है मैंने ऑर्डर क्या किया था तो जो भी बॉक्स में ओपन करूँगी ना मुझे ऐसा लगेगा कि गिफ्ट मिल रहा है मुझे सरप्राइज मिल रहा है अच्छा जी तो ये पहला वाला है बॉक्स ही मैंने ओपन कर लिया है इसमें बबल रैप हुआ हुआ है इसका मुझे आइडिया हो गया पीला रंग देख के कि ये क्या है लेकिन मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अच्छा जी तो ये इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं और दोनों ही गार्नियर्स ऑर्डर की थी एक तो है जी ये थर्टी एक्स विटामिन सी सिरम और एक यही विटामिन सी वाला क्लेंजिंग वाटर है मिसलर क्लेंजिंग वाटर तो ये विटामिन सी की तो बहुत डिमांड थी इसके सिरम की बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी टू तो रिव्यू इट तो फाइनली ले लिया है अब इसको यूज़ करूँगी फिर रिव्यू करूँगी मैं ये खोल के भी दिखाती हूँ आप लोगों को ये देखेंगे छोटी सी क्यूट सी बॉटल है मतलब फिफ्टीन एम वाली क्वान्टिटी है इसमें थर्टी एम भी मिलता है बट मैंने वो नहीं लिया है मुझे ट्राई करना है अभी अच्छा ये विटामिन सी सिरम मैं खोल के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा है तो काफ़ी मिल्की से इसका कल है और थिक कंसिस्टेंसी है मतलब तो लेट्स सी कैसा है इसको ट्राई करूँगी फिर बताऊँगी अच्छा बाकी दूसरा ये येलो वाला ना इनका मिसलर क्लेंजिंग वाटर है विटामिन सी वाला इसका पिंक वाला मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ यूज़ करके बहुत अच्छा था वो तो ये विटामिन सी लिया है मैंने मैंने कहा देखती हूँ क्या पता कुछ अलग हो इसमें अगर होगा तो आपको यहाँ नहीं तो इंस्टा पर बता दूँगी तो यस ये है वो प्रोडक्ट जो कि मैंने गार्डनीस ऑर्डर किए थे इनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और सेल चल रही है अभी अवेल करने हो तो देख लीजिएगा सो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैकेज पे उसको खोल के देखते हैं कि उसमें क्या है अच्छा तो ये वाला पैकेज है इसको मैं करने लगी हूँ अनबॉक्स आई थिंक आई नो कि इसमें क्या है लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा है प्लस मुझे इस वाले पैकेज से थोड़ी टेंशन भी थी कि सही होगा या नहीं होगा कुछ फेक चीजें ख़राब चीज़ ना आ जाए तो देखते हैं अच्छा तो ये मैंने कर लिया है अनबॉक्स एंड यस ये है जी बहुत ही फेमस वन स्टेप हेयर ड्रायर एंड स्टाइलर अच्छा ये वाला वो हॉट एयर ब्रश है जो कि काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे क्योंकि ये थ्री इन वन वाली चीज़ है मतलब ये बालों को ड्राई भी करेगा मतलब ये हेयर ड्रायर भी है ये हेयर स्ट्रेटनर भी है और बालों को रोल भी करता है मतलब काफी अच्छा वो जो ब्लो आउट वाला लुक होता है ना कुछ उस तरह का लुक आता है तो आई थिंक ये थ्री इन वन काम करने वाला है और मैंने काफ़ी सारे टूटोरियल भी देखे हैं ताकि मैं उसको से ट्राई कर सूँ क्योंकि मुझे ऐसी ब्लो ड्राई वाली लुक चाहिए यार बहुत अच्छी लगती है मुझे यार लेकिन ना इसके ब्रश देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये काम कैसे करेगा मतलब कौन सा पार्ट हीट होगा कहाँ से हीट आएगी क्या सीन है मुझे कुछ नहीं पता इसको ट्राई है लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट क्योंकि ट्यूटोरियल्स में तो बहुत मजे का लग रहा है तो लेट्स सी फिर वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह इसके डिटेल रिव्यू की अच्छा वैसे ये नॉर्मली ना ढाई हजार तीन हजार तक का मिलता है बट क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक वीक सेल चल रही है तो वहां से मुझे ये कुछ का मिल गया है तो ज़रूर जाकर देखिएगा अभी इसको अवेल कर लीजिएगा ताकि आप सबका फ़ायदा हो इसके अलावा कोई ड्रायर कोई स्ट्रेटनर कर्लर कुछ भी लेना हो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड या कुछ भी तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अभी चलें जी अब देखते हैं नेक्स्ट पैकेज इसको काफ़ी अच्छे से बबल रैप किया हुआ है मतलब कार्डबोर्ड के बाहर भी बबल रैप किया हुआ है और फ्रजाइल लिखा हुआ है तो लेट्स सी यार इसके अंदर क्या है काफ़ी मुश्किल से ओपन हो रहा है ये क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सिक्योर पैकेजिंग हुई हुई है अच्छा जी तो ये कार्टन आ गया है अब इसको भी खोल के देखते हैं अंदर भी सारी चीज़ें देखें बबल रैप्ड हैं तो लेट्स अनबॉक्स दिस मैं अनबॉक्स करती हूँ अच्छा तो पहले इसको देख लेते हैं ये है जी अच्छा ओ माय गॉड अच्छा दिस इज़ ट्रिंकेट ट्रे इतने टाइम से मैं ये खरीदना चाह रही थी ना आपको मेरी आवाज़ की एक्साइटमेंट से पता लग गया होगा कि कितनी शिद्दत से मुझे ये चीज़ चाहिए थी मतलब बहुत ही मजे की लगती है यार मुझे ये आप इसको टेबल पर रख दो कॉफी uh, टेबल पे या ड्रेसिंग वगैरह पे कहीं पे भी इसमें आप बेसिकली अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हो जो डेली वेयर की होती है डेली की पहनने वाली घड़ी होती है आपकी या फिर आपकी रिंग्स वगैरह हो चेन्स हो कुछ भी हो इनफैक्ट जो आपकी सिग्नेचर परफ्यूम है जो डेली वेयर परफ्यूम होती है वो भी आप इस पर रख सकते हो आप इस पर कैंडल रख सकते हो या कुछ भी जो आपका दिल करे आप इस पर रख सकते हो एंड बाय द वे जो भी चीज़ें इनके पास होती हैं वो सब हैंडमेड होती हैं एंड आई गेस देर आर टू गर्ल्स बिहाइंड दिस पेज एंड ऑनस्टली स्पीकिंग काफी अच्छी चीज़ें है इस पेज का नाम है ताबा और इनके पास कैंडल्स होती हैं हैंडमेड डेकोर की चीज़ें होती हैं और बहुत कम प्राइस में आइस वर टू गॉड बहुत कम प्राइस में क्योंकि सेम चीज़ें बाकी पेजेस पे या बाकी जगहों पे डबल प्राइस में मिल रही थी तो मेक श्योर टू चेक इट आउट उनका इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में ये उनका पेज है तो ये इंस्टा पेज को ज़रूर देखिएगा फॉलो कीजिएगा और बाय बाय करना हो तो उनको जरूर कंसिडर कीजिएगा अच्छा बाकी चीज़ें भी खोल के देख लेती हूँ आई एम मोर एक्साइटेड नाउ अच्छा तो दिस इज दिस इज शेल्ट्री अच्छा ये भी मैंने बाय की थी ये भी ना काफ़ी क्यूट सी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए ट्रे है आप इसको किसी भी तरह के डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो यार टेबल पर रख लो ड्रेसिंग पे रख लो कॉफी टेबल पे या कॉर्नर टेबल पे कहीं पर भी तो इट इज़ क्यूट चीज़ें वगैरह रखने के लिए अच्छी लगती है मतलब एक स्थेटिक लुक आ जाती है अच्छा जी अब नेक्स्ट पार्सल देख लेते हैं अगेन इसको बबल रैप किया हुआ है अच्छा काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इनकी सिक्योर है मतलब वरना ये जो चीज़ें हैं ये सारी सैरमिक की हैं टूट सकती थी अगर थोड़ी सी भी गलत पैकेजिंग करते तो लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक है अच्छा जी तो दिस इज़ देयर बबल कैंडल और ये ना सोए वैक्स से बनाते हैं बाय द वे पैराफिन वैक्स से नहीं बनाते हैं सोए वैक्स इज मच बेटर देन पैराफिन तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट प्लस इसकी सेंट बहुत अच्छी है hmm. बिना इसको बर्न के काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और ये वाइट में है तो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मतलब अगेन सेम वर्ड यूज़ करूँगी एस्थेटिक लगेगी ये टेबल पर रखी हुई है तो यार आई एम सो हैप्पी आ रही है बेस्ट पैकेज है अभी तक बाकी अनबॉक्सिंग नहीं किया है लगे लेकिन मुझे ये बेस्ट लग रहा है अभी से <laughs> मुझे ना वाकई में कैंडल्स बहुत पसंद है तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस अच्छा जी अब ये लास्ट वाली चीज़ देखते हैं ओपन करके कि इसके अंदर क्या है अगेन काफ़ी सिक्योर बबल रैप हुआ हुआ है तो लेट्स सी ओ वाओ अच्छा तो ये जो है इनका रिब जार है मतलब डेकोर पीस है काफ़ी अच्छा इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो अपनी ज्वेलरीज रख लो अगेन या कीज़ वगैरह रख लो कुछ भी रख सकते हो डेकोर पीस है आप घर पे एंट्रेंस का जो एरिया होता है जो शेल्फ़ होती है वहाँ रख लो बाहर टेबल पे रख लो ड्रेसिंग पे रख लो टेबल मतलब कहीं भी रख सकते हो उसको डेकोर पीस है काफ़ी अच्छा है खूबसूरत है आपकी जो चीज़ें हैं वो भी इसमें सिक्योर रहेंगी तो बहुत मज़े की चीज़ें आ रही है अच्छा वो जो ट्रिंकेट डिश और जो शेल वाली डिश है ना जो ट्रे आई मीन वो मैंने खुद से ऑर्डर की थी दराज से लेकिन फिर मुझे कैंडल के बारे में कुछ पूछना था तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पर रीच किया पूछा तो शायद इंस्टा देखिए ना आइडिया हो गया होगा मैं भी छोटी मोटी सी इन्फ्लुएंसर हूँ <laughs> तो इन्होंने एज अ गिफ्ट मुझे बबल कैंडल और जो रिब जा रहे वो भेजा है मतलब पीर के तौर पर बींग ऑनेस्ट अगर ये दो चीज़ें मुझे खुद से ना थे, तब भी आई वुड हैव अप्रीशिएटेड इट दिस मच क्योंकि अप्रिसिएशन बनती है यार तभी तो मैंने वो डिशिज वगैरह ऑर्डर की थी क्योंकि कम प्राइस थे चीज़ अच्छी थी रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे दराज पैन के तभी ज़ाहिर मैंने ऑर्डर किया सो येस आई एम रियली ग्लैड सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं घर को चार चांद लग जाएंगे इन चीज़ों से और उसकी जो बबल कैंडल की फ्रेग्रेंस है सेंट है बहुत अच्छी है और सारी चीज़ें बहुत सिक्योर आई हैं काफ़ी अच्छे से पैकेज है कुछ भी इसमें डैमेज नहीं मिला है मुझे और प्राइस भी बाकियों के अकॉर्डिंगली काफ़ी कम है चीज़ भी काफ़ी अच्छी है, है हैंडमेड है तो सब कुछ ए वन है सो मेक श्योर टू चेक इट आउट इनका दराज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है चलें जी अब जल्दी से नेक्स्ट वाला पैकेज उठाती हूँ मैं उसमें देखती हूँ कि उसके अंदर क्या है तो दिस इज अ पैकेज एंड लेट्स सी के इसके अंदर क्या है ओ डरमास अच्छा आई डोंट नो कि मैंने ऐसा क्या ऑर्डर किया है क्योंकि जितना मुझे याद पड़ता है मैंने डरमाकॉस का कुछ भी नहीं ऑर्डर किया है तो सी के इसके अंदर क्या है भाई ओह हाँ सही तो मैंने शेफर की बेस ऑर्डर की है तो उनकी पाउडर वाली है और दूसरी जो हांडी बेस के नाम से जानी जाती है अच्छा जितना मुझे पता है ना ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की बेस है मतलब इसको सेलॉन्स वगैरह में ब्राइडल्स के लिए और बाकी ना इसको शूटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं फिल्म वगैरह में बल्कि इसमें लिखा हुआ भी है सामने ये बॉक्स पर लिखा है स्पेशली फॉर पार्लर्स फिल्म टी मतलब ये वो वाले क्राइलॉन लेवल की बेस है पर यह बहुत सस्ती है पाँच सौ छः सौ की मिलती है और हमारा पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट है यह प्लस ये हंड्रेड परसेंट हलाल है अच्छा ये वाली आप देखें पहले ये है जी वाटर प्रूफ पेंट मेकअप शेफर की है ये और इसमें थ्री टाइम्स मोर कवरेज मिलती है इसकी जितनी मैंने तारीफ़ें सुनी है ना मैंने मतलब सच में अलग ही लेवल की बाय द वे शेड इज़ नेचुरल और इसको हांडी बेस के नाम से भी जाना जाता है ये सलोंस में यूज़ होती है ब्राइडल्स के लिए इसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि लोग कंसीलर भी नहीं यूज़ करता तो लेट्स सी मैं अपने फाइनल रिव्यूज अभी नहीं दे रही हूँ मैं जब जाहिर इसको यूज़ करूँगी तभी आपसे रिव्यू शेयर करूँगी बाकी मैंने आपको खोल के दिखा दिया इसका पॉट जैसी शेप है मतलब हांडी जैसी तो स्टे ट्यून फॉर द रिव्यू बाकी ये बिल्कुल ओरिजिनल शेफ़र का ही प्रोडक्ट है जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी ना उसे से बाई कीजिएगा अच्छा दूसरी वाली ये है हमारे पास शेफ़र पाउडर फाउंडेशन इसकी भी बहुत तारीफ़ें सुनी है मैंने अगेन थ्री टाइम्स कवरेज दे दी है हंड्रेड परसेंट हलाल है अच्छा इसमें लिखा है कि ऑयल कंट्रोल प्लस वाटर प्रूफ अब इसका बेस्ट सीन पता है क्या है ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म है लेकिन आप इसको पानी के साथ मिला के यूज़ कर सकते हो बेबी लोशन के साथ कोल्ड क्रीम के साथ पेट्रोलियम जेली रोज वाटर किसी के साथ भी मिला के इसको एक पेंट फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और ये सब वाकई में इसके अपने बॉक्स पे लिखा हुआ है कि आप इसको किस किस के साथ यूज़ कर सकते हो और ये तो वाकई में मैंने सुना है कि शूट्स वगैरह पे बाकी जो सेट्स होते हैं ड्रामा फिल्म वग़ैरह उस पर ये यूज़ की जाती है क्योंकि इसकी लुक काफ़ी प्रोफेशनल आती है और इवन आती है अच्छा ये अंदर से इस तरह का प्लास्टिक का नॉर्मल सा जा रहा है ज़ाहिर है क्योंकि अफोर्डेबल इतना हाई एंड तो है नहीं तो पैकेजिंग ज़ाहिर इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा काम करता है तो पैकेजिंग का क्या चार डालना है हमने तो ये इसकी फॉर्म आप चेक कर लो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट पाउडर जैसा दिखता है और इसको ज़ाहिर मैंने बताया है, किसी के साथ मिला के यूज़ करेंगे वो सब डिटेल मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूँगी जब भी इसका रिव्यू करूँगी तो स्टेट यून फॉर दैट बाकी हाँ बस यही दो चीज़ें थी जो कि मैंने शेफ़र की ऑर्डर की थी एक तो वो ग्लोइ वाली बेस जो हंडी बेस होती है और एक ही है पाउडर फाउंडेशन तो यस ये हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट पैकेज उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अच्छा इस बॉक्स का तो आई हैव जीरो आइडिया कि इसमें क्या है तो लेट्स सी इट टुगेदर ये इसको ओपन कर लिया है ओ अच्छा जी तो दिस इज़ सनसेट लैम्प जो कि बहुत ट्रेंड में था अभी कुछ टाइम पहले और तब मैं नहीं लिया था क्योंकि तब बहुत एक्सपेंसिव था ढाई ढाई हज़ार का था अभी ये मुझे मिला है शायद ग्यारह सौ रुपये का तो यस आई वॉट इट अच्छा पहले इसको डब्बे को खाली कर लेते हैं एक तो जी ये सनसेट लैंप वाला पैकेज है दूसरा आई थिंक कि मैंने कुछ होल्डर टाइप चीज़ मंगवाई थी अच्छा पहले सनसेट वाले लैम्प अनबॉक्स करते हैं और उसको तो साथ में भी असेंबल करके चला के देखते हैं अच्छा इसमें पिक्चर्स देख लो आप बनी हुई हैं कि कौन कौन सी लाइट्स हैं कैसी हैं और लुक कैसी आएगी कमरे में मैं आप पे इंटरेस्ट से कुछ पिक्चर्स भी लगा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ है अच्छा जी तो ये आ गया इसका रिमोट एंड दिस इज़ द मेन लाइट वाला पार्ट इसका इसका स्टैंड भी तो होना चाहिए था ना और नीचे अच्छा अच्छा सही पीछे वो ओके जी तो जिसको असेंबल करती हूँ मैं जल्दी से फिर उसको ऑन करके दिखाती हूँ तो ये इसका स्टैंड लग गया और ये इसका लाइट वाला पार्ट दिस इज़ द फाइनल लुक अब इसको मैं लगा के दिखाती हूँ लाइट बंद करती हूँ पहले तो वो इट्स सो कूल यार बट ये फ्लैश हो रहा है इसको स्ट्रेटिक कैसे करेंगे यार इसका ये जो ऑरेंज वाला है ये देखो कितना मजे मजेगा वाकई में सनसेट जैसा लग रहा है सूरज जैसा बट इसको एक जगह रोकना है मुझे चल क्यों नहीं रहे रिमोट ओ वाह रिमोट में सेल्स नहीं है और घर में भी नहीं है चलो खैर यार इट्स ओके दिस इज़ द वाइब नाइस nice यार ये बहुत अच्छा है अभी तो फिर भी दिनों थोड़ी सी रोशनी आ रही है कमरे में अंधेरे में तो और आफत लगेगा लव एट यार टेन ऑन टेन सॉलिड वाला अच्छा जी बाकी सनसेट वाले लैंप के अलावा अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा बॉक्स इसके अंदर आई थिंक स्टैंड है हो, मोबाइल होल्डर टाइप वाली चीज़ें मैं आपको खोल के दिखाती हूँ यार पैकेजिंग बहुत अच्छी है मतलब वो सनसेट लैम्प की भी काफ़ी अच्छी थी और इसका भी बॉक्स बहुत अच्छा है तो येस एप्रप्रिशिएटेड अच्छा जी तो इसको भी आई थिंक असेंबल करना पड़ेगा मुझे तो चीज़ों से ज़्यादा इसको असेंबल करने में मज़ा आ रहा है अच्छा तो ये चीज़ें पहले निकाल लेती हूँ मैं ये स्टैंड इसमें लगेगा और ये मोबाइल का होल्डर एंड दैट्स इट ये हो गया हमारा होल्डर रेडी मतलब मोबाइल वगैरह रखने के लिए आप इसको टेबल पर रख लो आपको वीडियो कॉल्स लेनी हो मीटिंग्स वगैरह लेनी हो तो सही रहता है गुड होता है मतलब अच्छा स्टैंड की तरह काम करता है बाकी अगर आप इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल करके रख दो तो या आप इस पर कुछ देख भी सकते हो मूवीज़ फिल्म तो कूल है ढाई सौ का, का काफ़ी सस्ता और अच्छा मिल गया, गया। तो ये एक एक है तो यस ये दोनों मैंने एक ही स्टोर से बाय किए हैं वो सनसेट लैम्प भी और यह स्टैंड भी इसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सनसेट लैप तो बेस्ट है यार मुझे बहुत पसंद आया और ये स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है हाँ जी तो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्सल ये रहा वो पैकेज अब इसको खुलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है ये चीज़ें बाहर निकाल लेती हूँ मैं फिर इसको हम करते हैं अनबॉक्स और पहले ये वाला मैं खोलने लगी हूँ जो बबल रैप हुआ हुआ है एंड लेट्स सी कि इसमें क्या है कलर बोर्ड ब्यूटी ग्लेस्ड ओके सो आई नो इसके अंदर आई शेड्स हैं मैं आपको खोल के दिखाती हूँ बहुत ही मज़े की चीज़ें आई थिंक आप लोगों लो ने लो ऑलरेडी देखी हुई होगी पर मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गई थी आई थिंक आठ सौ रुपये की एंड लुक एट दिस दीज आर आई शेड्स और इसके अंदर ना चार अलग अलग ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ देखें ये इसके ग्रीन के बाद ऑरेंज है और इसके बाद ये सारे ब्लू आई शेड्स हैं और ये ब्लू वाले के बाद नीचे सारे पर्पल्स हैं मतलब ये ना कलर बोर्ड है कि ग्रीन में सारे ग्रीन से रिलेटेड कलर हैं फिर उसके बाद ऑरेंज है तो ऑरेंज के आगे पीछे वाले कलर्स हैं देन ब्लू आ गए और फिर लास्ट पर्पल इतने सारे इसमें आई शेड्स हैं और सिर्फ और सिर्फ आठ सौ रुपये में प्लस पिगमेंटेशन इज़ रियली गुड मैं आपको इसका बल्कि स्वाच करके दिखाती हूँ कुछ कुछ आई शेड्स का ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके पिगमेंटेशन वगैरह कैसी है कलर्स की अप्लीकेशन कैसी है अच्छा मैं इसमें आपको ग्लिटरी भी दिखा देती हूँ स्वाच करके और जो मैट आई शेड्स हैं वो भी दिखा देती हूँ तो ये कुछ कलर्स मैं आपको दिखा रही हूँ लुक एट दिस पिगमेंटेशन जो कलर्स वगैरह हैं काफ़ी ऑन पॉइंट हैं अच्छी हैं प्लस प्राइस इज़ गुड पैलेट बहुत अच्छी है कन्वीनेंट है तो आप लोग को बाय करनी है तो ज़रूर कंसिडर कीजिएगा अच्छी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है मैंने अच्छा नेक्स्ट चीज़ जो कि ये मैंने ऑर्डर की थी ना ये मैंने रिसेंटली यूट्यूब पर देखना स्टार्ट किया है काफ़ी लोग ना ये आई डम ही खरीद रहे हैं और फिर इस पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आई मेकअप की तो मैंने सोचा मैं इसको यूज़ करके आप लोग को आई थिंक आई मेकअप करना सिखा सकती हूँ तो बस मैंने दराज पर ढूंढी मुझे अच्छे में मिल गई तो मैंने ऑर्डर कर लिया अब इसको खोल के देखते हैं कि एक्चुअल मंदिर से है कैसी ओह अच्छा इसको मैं डब्बा खोलूँ मुझे डब्बे से रहा है कोई अच्छा दिस इज़ नाइस यार इट लुक्स प्रिटी मच रियलिस्टिक और आई नहीं अच्छा आई ज़ाहिर प्रैक्टिस करनी होंगे गुड यार ये नाइस है अच्छा साथ में छोटी सी बॉटल में मेकअप रिमूवर दिया है इन लोगों ने तो दिस इज़ गुड बाकी ये जो डमी है काफ़ी रियल लग रही है टू तो बी ऑनेस्ट और इस पर बस एक चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ कि इस पर आई शेडो की ब्लेंडिंग सही होगी या नहीं मतलब ब्रश सही से मूव होगा या नहीं क्योंकि ज़ाहिर हमारी स्किन अलग होती है सॉफ्ट सी होती है ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक टाइप चीज़ है तो लेट्स सी अगर अच्छा होगा तो ओबियसली मैं ट्यूटोरियल्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी तो लेट्स होप कि इस पे मेकअप लुक क्रिएट करना आसान हो अच्छे से हो जाए तो फिर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी से लुक आईब्रो बनाना और लाइनर वगैरह की वीडियोज दिखा करेंगी अच्छा इस पार्सल में ये जो लास्ट चीज़ थी ये बबल रैप जी हुई है इसके अंदर लाइनर्स हैं आई थिंक ढाई सौ रुपए के हैं मुझे प्राइस ज़्यादा में स्क्रीन पर लगा दूंगी तो इसके अंदर छह लाइनर्स हैं वो जो थोड़े शिमरी थोड़े थोड़े से जो ग्लिटरी टाइप का लाइनर होते हैं हल्के से शाइनी टाइप्स वो वाले हैं मैं आपको उसको स्वाच हाथ पर दिखा देती हूँ ताकि आपको इसके कलर्स का और पिगमेंटेशन का आइडिया हो जाए तो हैव अ लुक एट दिस ये मैंने अपने पाम पे थोड़े से इसके जो छः कलर सॉरी छः लाइनर्स हैं उनका सॉच किया हुआ है आप लोग देख लो पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है वाइट वाले की इतनी अच्छी नहीं है बट बाकी सबकी काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है तो इट इज़ गुड हाँ मतलब इस प्राइस में ठीक ही चीज़ है तो ये थी वो तीन चीज़ें जो कि मैंने ऑर्डर की थी <coughs> सॉरी एक तो वाइट शर्टो किट थी एक ये डमी थी और लास्ट में ये लाइनर्स तो ये हो गया जी हमारा ये वाला पैकेज अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्सल अनबॉक्सिंग पे चलो नॉलेज सी के इस वाले पार्सल में क्या है एंड ये इसका डब्बा है एंड आई हैव जीरो आइडिया कि इसमें क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओ यस हाँ मैंने घड़ियाँ ऑर्डर की हुई थी अच्छा तो मेरा क्या है ना मुझे स्टार्ट से ही हमेशा लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी पसंद आती है एंड आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसके अलावा कभी कुछ और बाय किया हो हमेशा से लेदर स्ट्रैप अब रिसेंटली आई स्टार्टेड लाइकिंग दीज ये जो चेन वाली घड़ी होती है शायद चेन ही कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं स्टील मेटल का तो जो भी होता है बहरहाल तो ये गोल्डन ली है एक सिल्वर ली है गोल्डन वाली बहुत प्यारी है एक्चुअल में ये रोज़ गोल्ड कलर है और इसका डायल भी परफेक्ट साइज़ का है इसकी चेन भी परफेक्ट साइज़ की है बेहतरीन घड़ी है ये वाली तो दोनों में ज़्यादा अच्छी मुझे यही वाली रोज़ गोल्ड वाली लगी है बाकी दूसरी सिल्वर वाली बहुत कूल है इसका डाइले ना आई गए आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो बट इसमें ये निशान बना हुआ है इट्स गिविंग वाइब्स नहीं जोक से पार्ट काफ़ी स्टाइलिश और कूल सी घड़ी है यह समझा टाइम देखना नहीं आएगा हालांकि कभी भी लेकिन देखने में अच्छी लग रही है स्ट्राइप्स का थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है बट इट्स गुड ठीक है मुझे अब न्यू न्यू स्टाइल ट्राई करने का दिल कर रहा है घड़ियों में तो अच्छा रहेगा तो हाँ भाई ये दोनों घड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई हैं अच्छी लगी हैं मुझे अगर आपको बाय करनी हो तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप लोग देख लेना चलिए जी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग करते हैं एंड लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है ये बड़ा सारा कार्टन का बॉक्स है तो इस पर छुरी फेर के उसबाह करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट के इसमें क्या है ओके okay, तो ये जी है गोल्डन पर्ल की फेशियल की किट मैंने ऑर्डर की थी इतने सारे कमेंट्स आए थे इतने सारे डीएम्स थे आप लोगों के एंड हाँ उसकी हाई बनती भी है क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है आई गेस मार्केट में सबसे अफोर्डेबल फेशियल किट अभी यही है यानी कि ये इसके हज़ार या ग्यारह सौ रुपए पे, पे किए हैं मैंने और इसके अंदर ये सात स्टेप्स हैं एंड यू कैन सी इट इसमें मास्क भी है स्क्रब है क्लेंजर है मसाज क्रीम है और स्किन पॉलिश वगैरह है तो इसको ट्राई करती हूँ मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसा लगा है अच्छा आप में से किसने यूज़ किया हो ना ये फेशियल किट तो अपने रिव्यू ज़रूर बताना कि आपके लिए कैसा रिजल्ट था इसका और कैसी लगी थी आपको यह तो ये तो हो गई जी गोल्डन पर्ल की फेशियल किट ना लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैकेज एन सी के इसमें क्या है तो ये जो सामने पार्सल रखा था इसी को मैंने ओपन कर लिया है इसमें ये कार्टन के बॉक्सेस हैं इसको निकालते हैं अब इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से खोलू इतने सारे टेप्स लगे हुए हैं इतना कार्टन है पता नहीं कहाँ से कैसे होगा ये ओ। hour later. <laughs> तो फाइनली पांच मिनट की ट्राई और एक दफा इसको फेंकने के बाद ये खुल चुका है एंड इट इज अ बबल कैंडल ये इसकी नेट वाली पैकेजिंग बहुत क्यूट लग रही है मतलब गिफ्ट की तरह लग रहा है अच्छा बाकी बैक कैमरा ही तो बाकी की दो जो कैंडल्स हैं वो भी खोल के आती हूँ कैमरे पे नहीं घर होंगी फिर भेजती होगी हाँ जी सब मिशन सक्सेसफुल ये हैं वो कैंडल्स इसमें जो रेड वाली है वो बड़ी कैंडल है और जो ये ब्लू वाली हैं वो मिनी बबल कैंडल्स हैं अच्छा ये तीनों ही कैंडल्स ना अनसेंटेड हैं इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है तभी ये सस्ती मिली है थोड़ी आ, मतलब इसमें कोई खुशबू नहीं है बस समझो डेकोर पीस है ये क्योंकि वैसे मतलब जलेगी ऑब्वियस सी बात है लेकिन इसमें पैराफिन वैक्स है तो जो पैराफिन वैक्स से कैंडल्स बनती हैं वो जल्दी खत्म हो जाती हैं जल्दी पिघल जाती हैं सोए वैक्स फिर भी काफ़ी देर तक मेटेन रहती है आपको मैंने पहले वाली दिखाई थी वाइट वाली वो सोए वैक्स की थी ये पैराफिन की है तो आई डोंट थिंक इसको मैं मतलब लाइटअप करूँगी इतना ना, मतलब डेकोर पीस के लिए इट इज गुड आप इसको रख सकते हो चलो ये तो थी क्यूट सी बबल कैंडल्स अब हम लोग ओपन करते हैं नेक्स्ट पार्सल को बल्कि आई गेस दिस इज द लास्ट पार्सल हाँ बल्कि ये लास्ट ही है तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है अच्छा तो दिस इज द बॉक्स जो रिसीव हुआ है इसके अंदर है चिल्टन प्योर के प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स अगेन सुप डिमांडेड आप लोग देख रहे हो इस वीडियो में मोस्टली पाकिस्तानी चीज़ें ऑर्डर की हैं क्योंकि आई गएस आई वॉज मिसिंग आउट ऑन दिस जैसे चिल्तन प्योर है, है शेफर है पाकिस्तानी गोल्डन पर्ल है पाकिस्तानी ऐसी ऑर्गेनिक ट्रेवलर का जो विटामिन सी सी रेमोरी सारी चीजों वो सभी ऐसे ट्राई करूंगी मैं तो है ये चिल्तन प्योर से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी सबसे पहले हमारे पास है ये रोज़ मर्ड मास्क मैंने एक्चुअली पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर टू आस्क्रिया प्रोडक्ट्स बाय करूँ जो आपको रिव्यू चाहिए हों तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था मर्ड मास्क के बारे में तो उसमें से मैंने रोज़ वाला लिया था ये आपको ओपन करके भी दिखा रही हूँ अंदर से थोड़ा लाइट पिंक सा है इसकी स्मेल बहुत तेज थी मतलब तेज़ वाली खुशबू है इसमें और आई गेस थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं इसके मतलब ये मास्क थाउजेंड रुपीज़ का था शायद तो मतलब पाकिस्तानी है ऑर्गेनिक है तो इतने महंगे नहीं होने चाहिए थे बट खैर अब ले लिया ट्राई भी करेंगे रिव्यू भी शेयर करेंगे तो ये रोजमट मास्क अच्छा नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बाई की थी वो अगेन बहुत ही डिमांडेड इनका विटामिन सी सीरम और इनके लिप एंड चीक टेंट बाय किए मैंने इनकी मैं ऑरेंज और रेड वाली ट्राई कर चुकी हूँ उस बार मैंने पिंक ली है बाकी पहले हम देखते हैं ये विटामिन सी सीरम तो ये इसका बाहर से बॉक्स है कार्डबोर्ड का ऑरेंज कलर का ग्राफिक्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं प्रोडक्ट कैसा है वो मुझे नहीं पता बाकी अंदर से बॉटल इसकी इस तरह से दिखती है प्लास्टिक की बॉटल है और बस हाँ मतलब और कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ अभी इस प्रोडक्ट के बारे में क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है ना तो ट्राई करूँगी फिर रिव्यूज शेयर करूँगी इवेंट फॉर दैट बाकी सेकेंड चीज़ जो ये ली थी मैंने ये है पिंकिश लिप एंड लिपेंची टेंट और इसका आपको मैं अंदर से बॉटल दिखाती थी बॉटल लगे ना उसी सिरम की तरह ही है और इसका पिगमेंट और कलर आप देख लो एकदम तेज़ चीखता हुआ पिंक कलर है आई होप ये ज़्यादा ऑकवर्ड ना लग रहा हो स्किन पे बट इसका स्वाच मैं आपको दिखाती हूँ रश पे ये आप देख लें थोड़ा सा ड्रॉप लगाया आई थिंक अच्छा खासा ही हो गया है ये और इसका पिगमेंट स्ट्रॉग इस है मतलब जब मैं इसको स्मच कर रही थी रश पे तो उंगली पे भी लग गया और रिश्ते भी जा नहीं रहा था इतनी आसानी से वॉश करने के बाद भी तो पिगमेंट तो स्ट्रॉन्ग है ब्लेंडिंग का मुझे अंदाजा नहीं है अभी वो मैं चीक्स पे यूज़ करूँगी तभी पता चलेगा तो ये हो गया जिनके लिप एंड चिक टेंट लास्ट में जो एक चीज ऑर्डर की थी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी इसके शैम्पू और इसके हेयर ऑयल की तो फिलहाल मैंने ऑयल बाई किया अगर अच्छा होगा तो शैम्पू देख लूँगी तो जी ये है चिल्तन प्योर का रिपेंजल हेयर ऑयल इस पर टैगल्ड कार्टून का करेक्टर बना हुआ क्यूट लग रहा है यार ये अच्छा खैर अंदर से बॉटल इसकी कुछ इस तरह से है और प्लास्टिक की बॉटल अगेन मैंने इसको खोल कर देखा इसकी स्मेल भी बहुत कड़ाके वाली तेज़ थी लेकिन खैर है अब ले लिया है ट्राई करना है सी बात है लेकिन इसके रिपेसल हेयर ऑयल और शैम्पू की सभी लोग तारीफ़ें करते हैं सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह प्रमोट करते हैं तो लेट्स सी कैसा है ये तो ये हैं वो चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट्स जो कि मैंने ऑर्डर किए थे अपने हलाल कमाई के की से ऑर्डर किए हैं बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है ना प्यार है मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मैं प्यार लूँ क्योंकि जितना ही लोग प्रमोट करवा रहे हैं ना मुझे शक है कि अच्छे हैं भी प्रोडक्ट या नहीं है तो मैंने खुद से इसलिए बाई किया ताकि खुद ट्राई करूँ और जेनवन वाला ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ आपको तो स्टेट यू फॉर द रिव्यू ये था जी हमारा लास्ट पार्सल आज की शॉपिंग हॉल का जिसको अनबॉक्स कर चुकी हूँ मैं हाँ जी तो काफ़ी सारी मज़े मजे की चीज़े makeup, to skincare, to चीज़ें दिखाई हैं आपको शॉपिंग हॉल में फ्रॉम मेकअप टू स्किन केयर टू होम डिकोर वाली चीज़ें टू सनसेट वाला लैम्प काफ़ी सारी डिफरेंट वरायटी दिख गई है आपको तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मुझे तो बड़ा मज़ा आया आई होप आप लोगों को भी आया होगा और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि इन सब में से फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है आपका और किस चीज़ का पहले रिव्यू चाहिए ये तो ज़रूर बताना है आपने मुझे फिर मैं पहले वो यूज़ करना स्टार्ट करूँगी तो येस एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट वन स्टेप वाला हेयर ड्रायर एंड स्ट्रेटनर और जो डमी ली है मैंने आई मेकअप की प्रैक्टिस के लिए तो उन दो चीज़ों के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और वो सनसेट लैम्प भी बहुत अच्छा था प्लस वो जो uh, ट्रिंकेट रे और शेल ट्रेज थी ना वो सारी चीज़ें बड़े मजे की थी मतलब सारे शॉपिंग मॉल अच्छा लगा है तो यस दैट वाज इट फॉर टूडेज़ वीडियो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड हाफिज़ एंटिल बाय नेक्स्ट वीडियो अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बाय बाय